अमर शहीद लाला हुकमचंद जैन का ये मुख्य द्वार है पार्क का। ये दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ऊपर सूर्य। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ। जिस कौम को मर मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का कभी इतिहास नहीं होता। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं, इसका श्रेय उन अनाम शहीदों को जाता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया, शहादत देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। उसमें हांसी का नाम बहुत आगे आता है। ऐसे शहीद का आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, लाला हुकमचंद जैन। 1857 की आज़ादी के संग्राम के एक प्रोधा रहे, और प्रोधा इसलिए रहे कि जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, कभी उनकी यानी कि रहनुमाई नहीं ली। ऐसे हम पार्क के अंदर खड़े हैं, वार्ड नंबर 4 के ऐतिहासिक पार्क, हिस्टोरिकल मोनोमेंट जिसे कहें, लाला हुकमचंद जैन का ये स्मारक आप साफ देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको कि 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी टांग दिया। इनके साथ एक मिर्ज़ा मुनीर बेग भी रहे, जिनको भी अंग्रेज़ों ने फांसी पर झुला दिया था। लाला हुकमचंद जैन कभी झुके नहीं, शहीद हुए। लेकिन हिंदू रवायत के अंगेस्ट यानी कि हिंदू रवायत से उलट, एक हिंदू होते हुए लाला हुकमचंद जैन को दफनाया गया, और मिर्ज़ा मुनीर बेग एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनको जलाया गया। ऐसा घिनौना काम अंग्रेजों ने किया था इन शहीदों के साथ। लेकिन हम शहीदों को नमन करते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी पुण्यतिथि बनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं राष्ट्रभक्ति के लिए। राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं जागती हैं, जागृत होती हैं, जब ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। तो आज हम उसी पे खड़े हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी, जो विहंगम पार्क इन्होंने बनाया है, खूबसूरत सा पार्क इसको डेवलप किया है, इस यानी कि उनके स्मारक को, तो यहाँ हम खड़े हैं अजय सैनी जी के साथ। ये पार्क है लाला हुकमचंद जैन का, स्मारक भी है। तो यहाँ इस पार्क में आपका दायित्व तो बनता था कि भी इसको डेवलप किया जाए, तो आपने क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट करवाई है, विकास कार्य करवाए? सबसे पहले तो मैं हमारे शहरवासियों को सबको नमस्कार करना चाहूँगा, नमस्कार सारे शहरवासियों को, और मैं बताना चाहूँगा जी, मेरे यहाँ पार्षद बनने से पहले, मेरे को आज पार्षद बने 3.5 साल हो गए जी जी, ये पार्क के हालात बड़े खस्ता हुआ करते। सारा दिन यहाँ बड़ा बुरा आलता, पशु बड़े रहते थे, सूअर गाय वगैरह मतलब बड़ी रहती, इसके अंदर बड़ा बुरा मचा रखा था, और ऐसे हालात थे इस वार्ड के अंदर, इस पार्क के अंदर। कोई महिला रात को तो क्या दिन में भी आना पसंद नहीं करती थी, महिला क्या पुरुष भी नहीं आ सकता, इतना बुरा हालता है जी जी। मेरे बनने के बाद वार्डवासियों के सहयोग से आज ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो इस पार्क में ना हो। इस विजय लगा लो, मैंने हर प्रकार के झूले लगा रखे हैं। झूले दिखाइए, झूले वो देखो, वो झूले लगा रखे हैं, दिखाओ, वो झूले लगा रखे हैं इस पार्क के अंदर मैंने। देखिए खूबसूरत सा झूला आप देख रहे हैं कैमरे की नजर में, और जब उसके बाद उससे पहले इसके अंदर सारे पौधे, जो पौधे बिल्कुल सूख के खत्म हो चुके थे जी जी जी, तो सारे पौधे लगवाए हैं मैंने, और इनके इनकी पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सारी मैंने अपने खुद के खर्चे पे करवाई है। हम कुछ मशीनें देख रहे हैं यहाँ पे, मशीनें आज आई है, मशीनें भी ये इसमें अभी हमारे चेयरमैन साहब के सहयोग से, चेयरमैन साहब के सहयोग से यहाँ जिनकी सारी मशीनें लगवा दी हैं, और सारे झूले लगवाए हैं, और पार्क में ये लगा लो कैमरे लगा रखे हैं हमने, और लाइटें लगा रखी हैं, और ये लगा लो यहाँ पर महिलाएं रात को, ये लगा लो 10 बजे 11 बजे भी आओगे तो ये महिलाएं आपको यहाँ घूमती मिलेंगी, इतना बड़ी और अच्छा माहौल हो गया। बेंचेस भी लगवाए हैं, बेंच भी लगवाए हैं, झूले भी लगवाए हैं, जिम भी लगवाए हैं, एलईडी कैमरे भी, एलईडी लाइट भी लगवाई है, कैमरे भी लगवा रखे हैं इसके अंदर। मतलब मेरे ये इस पार्क के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सुविधा ना हो पार्क के अंदर। और पीछे इन पार्कों का सुंदरता का कंपटीशन भी हुआ था, उसमें सुंदरता के लिए मेरे पार्क को अवार्ड मिला था, सब सुंदर पार्क का प्रतियोगिता थी, उसमें एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने, चेयरमैन साहब ने
सर्व सुंदर पार्क के लिए मेरे को अवार्ड भी दिया था। जी जी हाँ, तो ये जो आज देख रहे हो पार्क की सुंदरता, मतलब ये सब चेयरमैन साहब का आशीर्वाद भी रहा है और मेरे वार्डवासियों में सहयोग भी रहा है, जिन्हें कारण आज आप देख रहे हो पार्क हरा भरा और झूले जिम ऐसी कोई सुविधा नहीं उस पार्क के अंदर ना हो। ये खूबसूरत सा पार्क लाला हुकम चंद जैन जो एक हमारे शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे उनकी स्मृति में एक स्मारक भी है और इसको एक बहुत खूबसूरत पार्क यानी कि विकसित किया है इसमें। और बंसल जी मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जी जी जी, कि ये लाला हुकमचंद जैन पार्क है और यहाँ लाला हुकमचंद जैन को यहाँ दफनाया गया जैसे मान लो। हाँ हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके कुछ हैं पारिवारिक पूर्वज हैं उनके, वो हर बार यहाँ आके मतलब 19 जनवरी को यहाँ उनका एक ये शहीदी प्रोग्राम मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं 19 जनवरी को। तो अब की बार भी 19 जनवरी को यहाँ शहीदी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। सभी शहरवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि 19 जनवरी को यहाँ सुबह 10 बजे पहुँचे और उनकी मतलब पुण्यतिथि पे उनको पुष्प अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनसे प्रेरित हो, प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें कि इन अनाम शहीदों की, इन शहीद कभी मरता नहीं अमर हो जाता है, जैसे लाला हुकमचंद जैन, मिर्जा मुनीर बेग जैसे रहे। लाल सड़क भी एक ऐतिहासिक सड़क है यहाँ की। तो मैं मुझे सैनी साहब बताइएगा यहाँ उनकी हवेली कहाँ रही जहाँ वे बैठते थे, अंग्रेजों को ललकारते थे और आज़ादी के लिए आह्वान करते थे, उनकी एक हवेली का। हाँ, ये सामने ये एक हवेली नजर आ रही है, एक बुर्जी नजर आ रही है, वो वही लाला हुकमचंद जैन की हवेली हुआ करती। हाँ, वहाँ बताया जा रहा है कि इतिहासकार बताते भी हैं कि वहाँ भी किसी को अंग्रेजों ने यहाँ से गोली मारी थी किसी को, जब वो अंग्रेजों को देख रहे थे उनको फांसी टूटता होगा। हाँ, उनको लाला हुकमचंद जैन जो शहीद रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्रता संग्राम के जो शहीद रहे, तो उनको देखते हुए जब यानी कि पार्क का व्यू देखिएगा, ये एक्सरसाइज की मशीनें हैं, ये जिम्स की मशीनें हैं, ये लगाई गई हैं ये साफ, और बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रही है कि यहाँ लोग बाग कसरत करते हैं। एक इंग्लिश का वर्ड है फिट एज फिडल, यानी तंदुरुस्ती रखने के लिए यहाँ एक्सरसाइज की मशीनें लगाई गई हैं, झूले हैं बच्चों के रिक्रिएशन के लिए, आप बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। और लाला हुकमचंद जैन की एक हवेली का दृश्य जो अभी दिखाया, दोबारा फिर देखिएगा कि मैं इंगित कर रहा हूँ कि वह एक बुर्जी है जहाँ जब लाला हुकमचंद जैन स्वतंत्रता सेनानी हमारे शहीद को यहाँ फांसी तोड़ी जा रही थी इसी जगह पर, तो वो देख रहा था तो अंग्रेजों ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया था। तो ऐसे हुकमचंद जैन की जो हम दिखा रहे हैं आपको एक ये बिल्कुल स्मारक जो है, देखिए उनके चेहरे का तेज, और सामने जैन संस्थानक है, बिल्कुल जैन समाज का संस्थानक है, और भी हवेलियां हैं यहाँ, पुरातन हवेलियां हैं जिनका दायित्व तो यानी यहाँ के जुजारू पार्षद इनको मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो ये रहा हमारा वार्ड नंबर 4 का शहीदी स्मारक, लाला हुकमचंद जैन का शहीदी स्मारक जिसको पार्क के रूप में डेवलप किया गया है हमारे पार्षद महोदय और उनके वार्ड वासियों ने जो इसका लिया है। तो इन्होंने आह्वान किया कि 19 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इनकी याद में एक कार्यक्रम किया जाता है, पुष्पांजलि होती है, श्रद्धांजलि होती है, आप लोग सब आइएगा और इस पुण्य के कार्य में शिरकत कीजिए, हमारे शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए और ऐसे ही हम शहीदों को याद करते रहें जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ाद भारत में खुली सांस लेने का एक बहुत अवसर प्रदान किया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम अनपार वर्ष जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा, तुम दीप बनकर जियो, मैं तुम्हें पूजता रहूँगा। जीना एक कला है मेरे दोस्तों, जीना एक कला है, मौत व्यवस्था, तुम लाला हुकमचंद जैन बनकर जियो, मैं तुम्हें नमन करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, लेकिन आपसे निवेदन चाहता हूँ कि हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के हम शहीदी स्मारक, शहीदों के यानी कि उनकी हिस्टोरिकल बातें, उनके इतिहास के बारे में आपको बताते रहेंगे और आप हमेशा अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर अपने प्रिय कार्यक्रम को देखिएगा। नमस्कार।
फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, कीजिएगा इंतजार। नमस्कार, आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।